Yes, students, we have studied the concept of business finance and now classification of sources of funds. Sources of funds तो बहुत तरीके से हो सकते हैं. हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, हम बैंक से पैसा ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं. ओके, पर्सनल हमारे सोर्सेज होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो सोर्सेज हैं हमारे फंड्स के, उनको भी हमने क्लासीफाई किया है. ठीक है, उनके डिविजन्स हुए हैं. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स: पीरियड बेसिस, ओनरशिप बेसिस, जनरेशन बेसिस. सी, पीरियड बेसिस मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आपको लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए. ओनरशिप, ओनर्स का फंड्स या बोरोड फंड्स, ये ओनर की जिम्मेदारी. जनरेशन बेसिस, कहाँ से पैसा जनरेट किया जाता है, उठा सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज. ओके, सो वन बाय वन हम एक एक वन बाय वन हम लेंगे. पीरियड बेसिस पहले लेते हैं. सी, पीरियड बेसिस मींस कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए. लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ पीरियड और मोर देन 5 ईयर्स, ज़्यादा टाइम के लिए हमें चाहिए, 5 ईयर्स ज़्यादा. तो ये सब इतनी बड़ी कैपिटल इतने लंबे टाइम के लिए हमें क्यों चाहिए, लंबे टाइम के लिए किसको खरीदना है हमें, इफ़ यू वॉन्ट टू रेज टू फंड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं. ये पैसा हमें कहाँ से मिल सकता है, डिबेंचर्स से, इक्विटी शेयर्स से, लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, ये लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज. नाउ मीडियम टर्म सोर्सेज, एक साल से ज़्यादा है बट लेस देन 5 ईयर्स. एक साल से ज़्यादा के लिए हमें चाहिए पैसा बट 5 ईयर्स से कम. सो ये हमारी बोरोइंग्स हो सकती है, किसी कमर्शियल बैंक से हो सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से हो सकती है. ओके, और इसका किस लिए चाहिए होता है पैसा, ये मीडियम टर्म के लिए, रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए, हमें कोई टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, ठीक है, टेक्निकल चेंजेस करने हैं, मे बी फॉर लॉन्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट के लिए हमें अगर टेक्नोलॉजी, हाँ देखो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और हमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए हमें नई चीज़ें काफ़ी बार ज़रूरत में आ सकती हैं. हो सकता है जो पुरानी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए एडिक्वेट ना हो, तो अगर हमें उस न्यू प्रोडक्ट के लिए कुछ चाहिए तो हमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है. तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, वो मीडियम टर्म है. ओके, सो ये मीडियम टर्म सोर्सेज, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स. नाउ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मीन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के लिए. ये तो बैंक लोन दे देगा, ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा आपको. तो ये क्या होता है, अगर हमें अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करनी है, ठीक है, जिनसे पैसा उठाया है हमने, और या डे टू डे एक्सपेंसेस को हमें मीट करना है, पे करना है, और डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, तो हमें उसके लिए पैसा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑन द पीरियडिक बेसिस. ओके, नाउ ओनरशिप बेसिस, ओनरशिप बेसिस, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स, दो तरीके फंड्स आते हैं इसमें. ओनर्स फंड्स रिप्रेजेंट्स द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओनर अपना फंड लगाता है, अपना पैसा लगाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसे ओनर्स फंड कहते हैं. लाइक आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा है वो खुद ही काम करेगा उसमें, खुद ही मालिक है, खुद ही करने वाला है, मतलब सारा करता धरता वही होता है. तो पैसा भी वही लाएगा, जहाँ से भी लाए, फ्रेंड से लाए, कहीं से भी लाए. तो कैपिटल प्रोवाइडेड बाय सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, पार्टनर्स भी पैसा खुद ही लगाते हैं, ठीक है, डिसाइडेड हो जाता है. शेयर कैपिटल बाय शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड, प्रॉफिट को हमने री इन्वेस्ट कर दिया, तो ये ओनर्स फंड्स हो गए, ठीक है. और ये सोल प्रोप्राइटर भी ओनर हुआ अपने बिजनेस का, पार्टनर्स भी ओनर्स होते हैं, हमने पार्टनर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा है. शेयर कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है, प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे ओनर्स फंड्स निकल गए.
नाउ बोरोड फंड्स क्या होता है? बोरोइंग्स रिप्रेजेंट द फंड्स रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. लोन के फॉर्म में जो एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा लिया जाता है उसे बोरोइंग्स कहते हैं, बोरो करना. सो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट, ये इस तरह के आते हैं. सो ये तो हुआ ओनरशिप बेसिस, राइट? पीरियोडिक बेसिस पढ़ा हमने और ये ओनरशिप बेसिस. नाउ द लास्ट वन इज जनरेशन बेसिस. कहाँ से जनरेट किया जा सकता है पैसा? इंटरनल सोर्सेज से, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत अच्छी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मामला निपट रहा है. एक्सटर्नल सोर्सेज यानी आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल एक्सटर्नल से काफ़ी अच्छे से पता लग रहा है ये. नाउ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम रिसीवेबल्स, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है. सेलिंग इन्वेंट्रीज, जो भी हमारा स्टॉक है उसको हमने सेल किया. सेलिंग ऑफ सरप्लस असेट्स, असेट्स सरप्लस हो गया है, मोर देन जो हमारे पास है उससे भी ज़्यादा है हमारे पास है, उसका हम सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है हमारे पास, अंदर से फिर लगा सकते हैं पैसा, ये एक्स्ट्रा पैसा आ गया हमारे पास. ओनर्स प्रोवाइडिंग कैपिटल, ओनर अपने कैपिटल प्रोवाइड करा रहा है, या जो प्रॉफिट हुआ है साल के एंड में उसे वापस वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है, तो ये अंदर ही अंदर मामला हो गया, ठीक है. तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया, ये पैसा उसने कमाया, एक्स्ट्रा कमाया, वापस लगाया बढ़ाने के लिए, तो मिल गया पैसा हमें. एक्स्ट्रा सोर्सेज क्या होता है? हमने बाहर से पैसा उठाया. बाहर से पैसा जब उठाते हो तो बंदे को आपको विश्वास दिलाना होता है कि आप उसे चुकाओगे, तो वो कैसे विश्वास करेगा? आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, वो कुछ सिक्योरिटी रखेगा, ठीक है. दे आर बोरोड फंड्स. एंटरप्राइज नीड्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन रेज्ड. कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी आपको, या तो पेपर मांगेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी सिक्योरिटी आप जो रख सकते हो, ठीक है, जो भी लोन उठाओगे, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए आपको देगा. अगर आप नहीं चुका पाओगे तो आप बैंक करप्ट हो जाओगे, आपकी माल जब्त कर लिया जाएगा, ये चीज़ें होती हैं. सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, हमारे भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. सो इस तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ये, राइट. सो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स.